बड़ी खबर आपको दे दें, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आज जो बड़ा हादसा हुआ है, किन्नौर में शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 14 लोगों को बचाया गया है। वहीं अब भी करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी के करीब 200 जवान राहत बचाव काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ हैं इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ। संदीप, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन जिस तरह से चट्टाने वहां पर लगातार गिर रही हैं, रेस्क्यू के ऑपरेशन में काफी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? मेहमानता, देखिए घटनास्थल पर जो है वो लगातार शूटिंग स्टोन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए बनी हुई है, क्योंकि टीमों को लगातार खुद को भी बचाना है और लोगों को भी सेफली इवैक्यूएट करना है। लगभग 6.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। घटनास्थल के दोनों तरफ से जो है वो टीमों को जो है वो लगाया गया है और एनडीआरएफ, आईटीबीपी और QRT क्विक रिस्पांस टीम जो पुलिस की है वो मौके पर तैनात है और बड़ी मशीनों की मदद ली जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स और भारी भरकम मलबे के बीच जो है वो ये वाहन दब गए हैं और लोग उसमें फंसे हुए हैं। हालांकि 14 लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी जो है वो हल्के फुल्की चोटें जो है उनको आई है और उनको स्थानीय अस्पताल में जो है वो उपचार उनका किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि जिस डार्क जोन पे बस दबी हुई है उस जोन पर जो है वो कंटिन्यू सर्च मिशन करना और रेस्क्यू मिशन करना जो है टीमों के लिए मुश्किल बन गया है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने के बाद जो है ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि आज रात में जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चल पाएगा, क्योंकि लगातार शूटिंग स्टोन जो है वो इस स्थल पर बने हुए हैं, गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो परेशानी बनती जा रही है और लगभग पूरी टीमें जो है वो मौके पर तैनात है। लगभग 100 से ज्यादा जवान जो है वो सारे वेरियस CRPF के, ITBP के मिलाकर और NDRF की टीम को मिलाकर जो है वो इतने सारे लोग जो है इस वक्त रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। पर देखना ये होगा कि अगर स्थिति ठीक रहती है तो इतने भारी भरकम मलबे को उठाकर जो है लोगों को सुरक्षित निकालना वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त बनी हुई है। जी, बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर जो रेस्क्यू टीम इस वक्त लगी हुई है उसके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए संदीप आपका। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।